नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज 21 मई और जुमरात का दिन है। मैं हूं आपका मेज़बान शकील नायक। सबसे पहले हम आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं। नाजरीन, इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो इस वक्त कोरोना की वबा से भी ज़्यादा पेचीदा होती जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, चाहे सूबाई हो या मरकजी हो, और वफाकी हुकूमत, इन दोनों का जोर है कि किसी भी तरह सिंध के अंदर गवर्नर राज लागू किया जाए। गो के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इसकी खुली हिमायत नहीं की, तहम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने वफाकी हुकूमत और पीटीआई की सूबाई व वफाकी सूबाई व मरकजी क़यादत को ये यकीन दहानी कराई अगर गवर्नर राज लागू किया गया तो वो एमक्यूएम उसकी सपोर्ट करेगी, लेकिन वफाकी हुकूमत के लिए अब गवर्नर राज लागू करना आसान नहीं रहा, क्योंकि सिंध में जो इस वक्त अमन अमान के हवाले से जिम्मेदारियां हैं वो ज़्यादातर रेंजर्स की हैं, और दूसरी जो यहाँ की फौजी क़यादत है वो उनका भी कराची में अमन अमान की बहाली में अहम तरीन किरदार है। तो इस सूरत हाल में जब फौजी क़यादत सूबाई सतह की फौजी क़यादत हो चाहे रेंजर्स हो, उनकी जानब से मुराद अली शाह के हवाले से अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट या कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं लाई गई जिससे वफाकी हुकूमत इस तरह का तासुर दे सके या इस तरह का फैसला कर सके कि गवर्नर राज लागू करे। तो खुफिया इदारों, रेंजर्स और फौजी हुकाम की एक जो है वो इस बाज़ाब्ता तौर पर एक वाज़े मौक़िफ के बाद वफाकी हुकूमत के लिए अब गवर्नर राज लागू करना आसान नहीं रहा, इसलिए वफाकी हुकूमत चाहते हुए भी अब गवर्नर राज लागू नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी राह में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो 18वीं तरमीम के तहत वफाकी हुकूमत सिर्फ 3 माह के लिए गवर्नर राज लागू कर सकती है। अगर उसको 3 माह के लिए एक्सटेंड करना है तो कौमी असम्बली और सेनेट से 2/3 अक्सर से एक करारदाद मंजूर करानी है जो वफाकी हुकूमत के पास नहीं है, और उसके बाद अगर कोई मामला इससे ज़्यादा बढ़ना है तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना, और ये इतना बड़ा पेचीदा मसला है जो वफाकी हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए वफाकी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई की जो सूबाई क़यादत है या जो गवर्नर जो इमरान इस्माइल हैं या दीगर जो हैं उन सबको इस तरह का दबे अल्फाज में आगाह कर दिया है कि आईनी मजबूरी के तहत और दीगर जो क्वार्टर्स हैं जो कराची में अमन अमान के हवाले से अहम किरदार करें, उनकी रजामंदी ना होने की वजह से अब सिंध में गवर्नर राज लागू नहीं किया जा सकता। इस तरह ही सूबाई हुकूमत चलती रहेगी और इस तरह मामला चलाने चाहिए, क्योंकि वरना जो है वफाकी हुकूमत एक बड़ी जो है वो आईनी और कानूनी जो है वो पेचीदगी में फंस जाएगी, और फिर उसके बाद अगर उस आईनी पेचीदगी में वफाकी हुकूमत को शिकस्त हुई तो फिर हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत में एक बहुत बड़ा तनाव पैदा हो जाएगा जो मुल्क की सूरत हाल का मुतमल नहीं हो सकता, इसलिए सूरत हाल जूँ की तू रहेगी। नाजरीन, ये थी हमारी आज की ब्रेकिंग न्यूज़। हम आपसे एक मरतबा फिर गुजारिश करते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको खबर मिले। शुक्रिया।